इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। बहुत बार आपने मोशन इन अ प्लेन को स्टडी करते हुए और न्यूमेरिकल्स निकालते हुए रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चंस को डील किया होगा और बहुत बार आपको ये फार्मूला देखने को मिला होगा। क्या है वो फार्मूला? आर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फार्मूले को यूज़ तो कर लेते हैं पर उनका इस फार्मूले को लेके कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं बनता है कि वो सोचते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से। वैसे बहुत से न्यूमेरिकल्स बिना इस फार्मूले के भी सॉल्व हो सकते हैं, उसको भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर ये जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला आया कहाँ से, पहले हम इसको डील करते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं, इस कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कर्वेचर होगा। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, सपोज मैं यहाँ से एक टेंजेंट खींचता हूँ, इसके ऊपर ये टेंजेंट खींचा, ये पॉइंट पी है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस पॉइंट पी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक, तो उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या चीज़। मान लीजिए ये एक आर्क है, क्लियर। इस आर्क की लेंथ मैं मान लेता हूँ डेल्टा एल। कोई भी आर्क किसी भी कर्व के ऊपर, उसको आप एक सर्कल का हिस्सा मान सकते हैं। ये देखिए, ये जो कर्व है ये इस सर्कल का एक पार्ट है, इस सर्कल की एक आर्क है और इस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। तो उस रेडियस को हमने क्या कहा? रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। तो मान लें ये एंगल है थीटा और एक और पॉइंट ले लें, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक और मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू। तो ये टेंजेंट जो एंगल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, उसको लिखें थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्लियर? और इस पी क्यू को अगर हम एक आर्क माने, जैसे यहाँ पे इस सर्कल की आर्क मान रहे हैं, तो अगर हम पी क्यू को आर्क माने तो ये आर्क किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा होगी और उस सर्कल का क्या होगा? कुछ ना कुछ रेडियस होगा। उस रेडियस को हमने लिख लिया आर। क्लियर? तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल बाय ज्योमेट्री आपको नोन है कि ये एंगल क्या होगा? डेल्टा थीटा होगा। तो इस आर्क को अलग से बनाते हैं। ये देखिए, ये आर्क है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू और इस आर्क की लेंथ को मैंने सपोज लिया डेल्टा एल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और ये माने कि जो ये लेंथ ऑफ आर्क है ये बहुत स्मॉल है, तो इट इज़ जस्ट अ लाइन। तो ये पी से क्यू पॉइंट तक जाने के लिए डेल्टा वाई आ गया हमारे पास और P से Q जाने तक ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा X। तो हम ये माने कि अगर ये लाइन है तो ये तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा X स्क्वायर प्लस डेल्टा Y स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा L स्क्वायर। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो है, तो क्या होगा? डेल्टा एल आल्सो टेंड्स टू जीरो। मींस द चेंज इन लेंथ और दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो उस सूरत में ये जो सिचुएशन आपके पास बनेगी, इसको आप लिख सकेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से तैयार हो गई जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? ये क्यू पॉइंट P
पी पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो है तो क्यू पॉइंट पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, क्यू पॉइंट पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, और उस समय ये जो टेंजेंट है थीटा प्लस डेल्टा थीटा वाला, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के ऊपर, थीटा एंगल वाले टेंजेंट के ऊपर सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब हमारे को एक फार्मूला और भी नोन है, अगर हम इस सिचुएशन को देखें, ये पी क्यू एक आर्क है, इस पी क्यू आर्क की जो लेंथ है दैट लेंथ इज डेल्टा एल, तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, क्लियर। या यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा थीटा, और अगर हम यही कंडीशन यहां पे लगा दें कि डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास सिचुएशन आएगी डीएल बाय डी थीटा। तो बेसिकली अगर हम यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, डीएल बाय डी थीटा की। अगर हमें डीएल बाय डी थीटा पता चल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो dl by d थीटा को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली मॉडिफाई करेंगे, r इज इक्वल टू dl by dx एंड dx by d थीटा। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया, क्लियर। अब हमें dl by dx और dx by d थीटा निकालना है, तो dl by dx निकालने के लिए हम इक्वेशन वन को यूज कर रहे हैं। यहां से देखिए, अगर मैं यहां से dx स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dl by dx का होल स्क्वायर, या मैं सिंपली लिख सकता हूं यहां से dl by dx इज इक्वल टू अंडर द रूट वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। तो मेरे पास डी एल बाय डी एक्स आ गया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर थ्री। तो आप ये देखिए कि आपके पास थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया, न्यूमिनेटर के अंदर जो ये पार्ट है वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, डी एक्स बाय डी थीटा की। तो इसको निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर टू का यूज कर रहे हैं, दिस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो क्या करें, इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हम यहां से क्या लिख सकेंगे, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स बाय डी थीटा भी आ गया हमारे पास, और इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर थ्री से और डी एक्स बाय डी थीटा से पुट करें तो हमारे पास आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू डी एल बाय डी एक्स, सो यू हैव वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा अब ये वैल्यू पुट करेंगे, सो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हमारे पास क्या वैल्यू है, टेन थीटा, टेन थीटा इज डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ये पावर 1/2 और इसकी पावर 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये वो मैथमेटिकल रिजल्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं मोशन इन अ प्लेन के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और, आप सेकंड डेरिवेटिव का मॉडुलस लें, मतलब हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसलिए हम इसका मॉडुलस कंसीडर करेंगे। अगर कभी ये नेगेटिव आ भी जाए तो आप इसके पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब हम इस सिचुएशन को लगा के देखते हैं और उस दूसरे मेथड को भी देखते हैं कि दोनों में कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हॉरिजॉन्टल है और आपने एक एंगल के ऊपर से एंगल थीटा पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया। क्लियर? और ये ट्रजेक्ट्री का पाथ है। इस पॉइंट पे सपोज स्पीड हो गई वी और ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल का नाम रख दिया हमने अल्फा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें कि इस पॉइंट पे जो एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इस टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट होगा, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, स्लोप। स्लोप को आप क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। एक सिचुएशन आपके पास ये आ गई। क्लियर? और इस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इस फिगर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, वो क्या है, u cos थीटा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos अल्फा। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको नोन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास v आ जाएगा, दैट इज u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें टेंजेंट अल्फा डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमें पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री को देखें, क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, dy वाई बाई डी एक्स दैट इज टेन थीटा माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2gx डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल गिव यू द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन जीरो, और यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू भी आ गई और डी वाई बाई डी एक्स हमें नोन है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं इस मैथमेटिकल रिजल्ट को यूज़ करूँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मीन्स टेन अल्फा का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी,
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो हमारे पास आएगा सीकेंट क्यूब अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पी पे। तो आइए अब दूसरे तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल के देखते हैं। इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, क्लियर। और इस जी का कंपोनेंट अगर हम इस तरफ निकालें तो ये एंगल जो है ये हमारे पास अल्फा है, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा। तो जी की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर होगी जी कॉस अल्फा, और इस तरफ होगा जी साइन अल्फा, क्लियर। जो ये जी कॉस अल्फा है ये कौन सा कंपोनेंट है, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि पार्टिकल जो कर्व में घूम रहा है तो कर्व में घूमने के लिए पार्टिकल को क्या चाहिए, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, तो या इसको कहेंगे रेडियल एक्सेलेरेशन। और जो ये एक्सेलेरेशन है ये इसका नाम रख दिया हमने टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का जो हमारे पास फार्मूला है क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो आर है ये आर उस सर्कल का क्या है, रेडियस है जिस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। तो यहाँ पे सर्कल क्या है, ये आर्क इस पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग। तो हमारे पास यहाँ से आर आ गया, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए। ए कौन सा, ए सी, क्लियर। तो वी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, वी हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू हमारे पास आएगी जी कॉस अल्फा। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, एंड दिस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड दिस कॉस अल्फा इज कॉस क्यूब अल्फा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू सीकेंट क्यूब अल्फा। तो ये वही रिजल्ट है जो रिजल्ट हमने यहाँ निकाला था। तो ये एक आसान तरीका निकालने का, पर कई बार जब कर्व की सिचुएशन दी होगी या आपको कोई एक कर्व की इक्वेशन दी हो तो उस समय इस फार्मूले को भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब मैंने किस लिए कराया, जस्ट टू हैव अ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स कि ये जो आर है ये वही रिजल्ट देगा जो ये सिचुएशन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्लियर।